हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द लॉस्ट चाइल्ड पार्ट सेकंड, रिटन बाय मूल राज आनंद, शॉर्ट स्टोरी नंबर 3, क्लास 12th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई क्लास 9th चैप्टर 1 मोमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज लॉस्ट चाइल्ड का पार्ट सेकंड, पार्ट वन हमने इससे पहले वीडियो में आपको, इससे प्रीवियस वीडियो जो थी आपकी, उसमें आपने उसको पढ़ा होगा, हम उसे एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो 9th क्लास में, जो सीबीएसई बोर्ड की 9th क्लास है, उसकी जो बुक है मोमेंट्स, उसका फर्स्ट चैप्टर है, और जो क्लास 12th है यूपी बोर्ड की, उसका शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 है ये द लॉस्ट चाइल्ड पार्ट सेकंड। देखते हैं पैराग्राफ वाइज, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी में पैराग्राफ वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं पार्ट सेकंड द लॉस्ट चाइल्ड। ए मैन स्टूड, अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने देखा कि वो एंटर कर चुके थे, फेयर में जा चुका था बच्चा, मेले में जा चुका था, और मेले में जा कर के आपने ये देखा था कि उस बच्चे ने जैसे एंट्री की, तो एंट्री पर जो एंटर था, जो एंट्रेंस था, उस एंट्रेंस पर एक जो स्वीट सेलर था वो खड़ा हुआ था, और वो हॉक कर रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट्सेट्रा, और बच्चे को उस चीज़ को देख करके उसको माउथ में वाटर्ड हो जाता है उसका, वो बर्फ़ी खाना चाहता है, अपने पेरेंट्स से कहता है दबी जबान से, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए वो बिना आंसर की वेट किए ही आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो फिर उसको दिखता है एक फ्लावर सेलर हाकड़ कर रहा होता है, गारलैंड ऑफ गुलमोहर, ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर। बच्चा वहाँ भी उसको जो है देख करके आकर्षित होता है, और वो चाहता है कि उसको वो गारलैंड दे दिया जाए, फूलों की माला दे दी जाए, लेकिन बच्चा जानता है कि जिस तरह से पहले में उसको कहा था, उसको ये कह दिया था उसके पेरेंट्स ने, जानता था कि उसके पेरेंट्स ये कह देंगे कि ही वॉज ग्रीडी, कि वो ग्रीडी था इसलिए हमने उसे मिठाई नहीं खरीदी। यहाँ वो जानता था बच्चा कि वो ये कह देंगे कि देवर चीप, वो घटिया किस्म के हैं, इसलिए बच्चे ने वेट नहीं की और वो आगे बढ़ जाता है। अब जब वो आगे बढ़ता है स्टूडेंट्स, तो अब की बार उसको जो मिलता है वो एक बैलून वाला मिलता है। तो क्या है वहाँ, क्या देखता है, ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक आदमी खड़ा हुआ है जो एक पोल को पकड़े हुए है, विद येलो, जिसपे येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के एंड पर्पल कलर के बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, उस पोल से रेड कलर के, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, पर्पल कलर के बैलून फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, यानी उसने उसको बांधा हुआ है उनको, और उनमें हवा भर के, और वो उस पोल से बंधे हुए उड़ रहे हैं, और वो उस पोल को पकड़े हुए एक आदमी खड़ा हुआ है। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड ही वाज पोसेस्ड बाय एन ओवरवेलमिंग डिजायर ऑफ पोसेस देम ऑल। अब देखिए बच्चा है तो क्या होता है, द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे, आकर्षित होता है बच्चा उनकी तरफ बाय द रेनबो ग्लोरी, चूँकि एक तरह से इंद्रधनुष के सारे रंग उसके अंदर हो गए, ऑफ द सिल्कन कलर्स, उसमें सारे कलर्स हैं, ही वॉज पोसेस्ड बाई एन ओवरवेलमिंग डिजायर। अब उसके अंदर एक ओवरवेलमिंग डिजायर उसके अंदर आती है टू पोसेस देम ऑल, वो उन सबको लेना चाहता है, एक बच्चे के मन में आता है कि ये सारे गुब्बारे, इनको मैं पोसेस कर लूँ, मैं इन सबको ले लूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, वुड नेवर बाई हिम, वो उसको नहीं खरीद के देंगे द बैलून्स, गुब्बारे उसको खरीद कर नहीं देंगे। और क्या वो जानता था बच्चा, दे वुड से, कि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि आप इस तरह के खिलौने से खेलने के लिए काफ़ी बड़े हो चुके, तुम बड़े हो गए, अब तुम गुब्बारे से खेलने लायक नहीं रहे, छोटे बच्चे गुब्बारे से खेलते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें इस तरह के गुब्बारों की डिमांड नहीं करनी चाहिए, इस तरह के गुब्बारों से नहीं खेलना चाहिए, ऐसा वो कहेंगे। तो इसलिए ये सोच करके, सो ही वॉक्ड फार्दर, इसलिए वो क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, पहले उसके मन में आता है मिठाई खरीदने के लिए, वो आगे बढ़ जाता है ये सोच करके कि उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि वो ग्रीडी है, फिर वो देखता है गारलैंड्स फ्लावर के, तो उनको लेना चाहता है, लेकिन वो ये सोच करके आगे चल जाता है कि उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि ये चीप हैं। अब की बार वो बैलून्स देख करके उनकी तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, वो चाहता है कि वो सारे गुब्बारे ले ले, और वो डिमांड भी करता है अपनी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को जानता था, उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि वो उन गुब्बारों से खेलने के लिए, यानी उस तरह के खिलौनों से खेलने के लिए काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए ये सोच करके वो आगे बढ़ जाता है। वो डिमांड ज़रूर करता है, लेकिन वो बिना वेट किए रेस्पॉन्स की, आंसर की, आगे बढ़ जाता है।
स्टूडेंट्स आगे क्या होता है, ए जगलर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कोइल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट। अब वो आगे क्या देखता है, ए जगलर, जगलर मीन्स होता है मदारी, स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट बांसुरी बजा रहा होता है टू ए स्नेक एक सांप के सामने विच कोइल्ड जिसने गुंडली मार करके इट सेल्फ इन ए बास्केट जिसने बास्केट में गुंडली मार करके बैठा हुआ है, एक बास्केट में कुंडली मार के कोयल मीन्स एक तरह से कोयल बन करके यानी घुमावदार तरीके से बैठा हुआ है फ्लूट उसमें सॉरी बास्केट में, उसके सामने जो जगलर है वो फ्लूट बजा रहा है बांसुरी बजा रहा है। क्या होता है, इट्स हेड इसका सिर किसका, सांप का, रेज इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और जो सांप का फन होता है जो सांप का सिर होता है वो इस तरह से ग्रेसफुल माने शानदार तरीके से बैंड मीन्स झुका हुआ है लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे कि एक सांप जैसे कि हंस की गर्दन झुकी हुई होती है इस तरह से झुका हुआ है। व्हाइल द म्यूजिक स्टॉल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जबकि इसके अदृश्य जो कान हैं उनमें वो म्यूजिक जा रहा है लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ ए मेडिटेटिव वाटरफॉल, जैसे कि एक मेडिटेटिव वाटरफॉल से पानी गिर रहा होता है झरने से पानी गिर रहा होता है इसी तरीके से उसके जो अदृश्य कान हैं उन अदृश्य कानों में वो जो फ्लूट बजा रहा है जो बीन बजा रहा है जगलर उसका म्यूजिक उसके कान में उसी तरह से जा रहा है जैसे कि एक वाटरफॉल का वाटर जाता है धीरे धीरे, जेंटल मीन्स धीरे धीरे। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द जगलर, बच्चा उस जगलर के पास जाता है बट नोइंग, लेकिन जानते हुए हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, उसके पेरेंट्स को फॉरबिड कर देंगे मना कर देंगे टू हियर सच कोर्स ऑफ म्यूजिक कि इस तरह का म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए जगलर का प्लेट जो वो बजा रहा है, ही प्रोसीड फर्दर, और यह सोच करके कि वो उसको मना कर देंगे कि उसे इस तरह का संगीत नहीं सुनना चाहिए जैसा कि वो मदारी बजा रहा है, इसलिए वो यह सोच करके वो मना करेंगे, उनके मना करने से पहले ही वह आगे बढ़ जाता है बच्चा। अब क्या देखता है बच्चा, देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ वो देखता है कि एक झूला है, मैन वोमैन चिल्ड्रन कैरीड अवे इन वर्लिंग मोशन, जो बच्चे हैं बड़े हैं बूढ़े हैं महिला हैं स्त्री हैं वो सब उसमें वर्लिंग मोशन मीन्स जो गोल गोल घूम रहा है वो उसमें झूल रहे हैं। सैरिकड एंड क्राइड विद देयर डीजी लाफ्टर, वो जोर जोर से हंस रहे हैं कुछ चीख रहे हैं कुछ चिल्ला रहे हैं, जब वो झूला चल रहा होता है तो खुश होकर के कुछ चीख रहे हैं कुछ डर रहे हैं कुछ उत्साहित होकर के कुछ खुशी से चिल्ला रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम, अब बच्चा उनको देखता है इंटेंटली गोइंग राउंड एंड राउंड, उनको चारों तरफ झूले के राउंड एंड राउंड चलते हुए वो देखता है, ए पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक प्रकार की स्माइल आती है, हिज आइज रिपलिंग विद द सेम मूवमेंट, उसकी आँखें भी चाहती हैं कि वो इसी तरह के मूवमेंट इसी तरह की गति करे, हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट्स, और उसकी जो होठ थे वो आश्चर्य में खुले के खुले रह जाते हैं, टिल ही फेल्ट जब तक कि वो महसूस करता है दैट ही हिमसेल्फ वाज बीइंग कैरीड आउट, वो महसूस करता है कि शायद वह भी अपने आप शायद किसमें है महसूस करता है कि वो भी कैरीड राउंड यानी झूले के साथ वो भी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। द रिंग सीम्ड टू गो फायरसली एट फर्स्ट, पहले लगता था कि वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, देन ग्रेजुअली इट बिगेन टू मूव लेस फास्ट, और फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसकी जैसे इसकी पेस कम होती है तो धीरे धीरे कम गति से घूमना शुरू होता है। प्रेजेंटली द चाइल्ड रैप्ड फिंगर इन हिज माउथ बी हेल्ड इट स्टॉप, और जब तक ये नहीं रुक जाता वो बच्चा अपने मुख में उंगली रख लेता है। दिस टाइम इस बार क्या होता है, बिफोर हिज ओवर पावरिंग लव, अब की बार उसका जो प्यार है झूले के प्रति वो बहुत ज़्यादा होता है, फॉर द एंटिसिपेटेड सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, चूँकि उसके लिए ये सेंसेशन मूवमेंट थे, हैड बीन चिल्ड बाय द थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स, लेकिन अपने पेरेंट्स के विचार को सोच करके इटर्नल डिनाइल, चूँकि वो तो क्या है इटर्नल डिनाइल है यानी हमेशा मना करने वाले हैं, ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, अब की बार उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की यानी अपनी बात को जोरदार ढंग से अपनी मांग को जोरदार ढंग से रखा, और क्या कहा उसने, आई वॉन्ट टू गो ऑन, क्या कहा बच्चे ने, आई वॉन्ट टू गो ऑन टू राउंड अबाउट, कि मैं इस झूले में झूलना चाहता हूँ प्लीज़ फादर मदर, फादर को भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है मदर को भी रिक्वेस्ट कर रहा है दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं उस झूले में झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर पिताजी कृपया मुझे झूला दीजिए, मदर कृपया मुझे झूला दीजिए, लेकिन होता क्या स्टूडेंट्स, देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं मिलता है कोई उत्तर उस बच्चे को नहीं मिलता है,
ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने मुड़ करके अपने पेरेंट्स को देखा, दे वर नॉट देयर, लेकिन क्या देखता है कि वो वहाँ नहीं थे, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, उसके सामने नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने घूम करके दोनों तरफ देखा, आइदर साइड दोनों तरफ देखा उसने घूम करके, दे वर नॉट देयर, लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, अब उसने पीछे देखा, पहले आगे देखा, उनके सामने उसके पेरेंट्स नहीं थे, फिर उसने दोनों तरफ देखा यानी बाएं दाएं देखा, फिर पीछे मुड़ करके देखा, उसके पेरेंट्स नहीं थे, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका नामो निशान भी वहाँ पर नहीं था। तो बच्चा जब वो उस झूले में झूलने की उसके मन में आती है इच्छा, और वो कहता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एक तरह से रखता है उनके सामने कि मुझे झूलना है, और वो पाता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे। क्या होता है स्टूडेंट्स, ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से जोरदार चीखने की आवाज़ निकलती है, एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और फिर क्या होता है, सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी यानी एक झटके के साथ अपने शरीर में ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ पड़ता है, क्राइंग इन रेड फियर, अब वो भयभीत होता है और क्या चिल्ला रहा है, मदर फादर, माताजी पिताजी, मदर फादर, इस तरह से चिल्ला करके वो चीखता हुआ चिल्लाता हुआ भयभीत होता हुआ डरा हुआ दौड़ पड़ता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, अब उसकी आंखों से आंसू लुढ़कना शुरू हो जाते हैं, हॉट एंड फायर्स, और वो आंसू कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, और फायर्स मीन्स बहुत डरावने होते हैं, भयानक होते हैं। हिज फ्लश्ड फेस, उसका जो चेहरा होता है वो फ्लश्ड हो जाता है, वाज कन्वल्स विद फियर, और उसका डर से उसका जो चेहरा होता है वो सफ़ेद हो जाता है। पैनिक स्ट्रिकन, और भय से उसकी जो स्किन होती है वो सिकुड़ जाती है। ही रैन वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक साइड में दौड़ता है, एक दिशा में दौड़ता है, देन टू अदर, फिर दूसरी दिशा में दौड़ता है, हाइदर एंड थाइदर यानी इधर और उधर, हिधर एंड थिधर, इधर और उधर दौड़ता है, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में दौड़ता है, नोविंग नोवेयर टू गो, उसे नहीं पता कहाँ जाना है, उसको नहीं मालूम कहाँ जाना है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी एक साइड में दौड़ता है, कभी दूसरी साइड में दौड़ता है, और एक ही आवाज़ लगा रहा होता है, मदर फादर, मदर फादर। ही वेल्ड विद ए मोइस्ट श्रिल ब्रीथ नाउ, अब उसकी जो आवाज़ थी वो और भी श्रिल हो चुकी थी, तीज हो चुकी थी, हिज थ्रोट बींग वेट, और उसका जो गला था वो गीला हो चुका था, विद स्वेलोइंग द स्पिटल, अब चूँकि वो चीख रहा था तो थूक से उसका जो गला था वो पहले के मुकाबले वेट हो चुका था, गीला हो चुका था। ही येलो टर्बन केम, अब जो उसने पीले रंग की जो पगड़ी पहनी हुई थी, येलो टर्बन मीन्स पीले रंग की पगड़ी जो उसने पहनी हुई थी, ही येलो टर्बन केम अनटाइड, वो अनटाइड मीन्स खुल गई थी, एंड हिज क्लोथ्स, और उसके जो कपड़े थे, वेट विद परस्पिरेशन, परस्पिरेशन यानी एक तरह पसीने से उसके कपड़े गीले हो गए थे, बिके मडी वेयर द डस्ट, और वो मडी भी हो गए थे क्योंकि जो धूल थी, हैड मिक्स्ड विद स्वीट ऑफ हिज बॉडी, उसके पसीने से जो धूल थी, जो उसके कपड़े थे वो पसीने में गीले हो गए थे, और उसने फिर डस्ट यानी धूल को कैच कर लिया था, धूल मिक्स हो गई थी तो उसके कपड़े गंदे हो गए थे, उसकी पगड़ी खुल चुकी थी। हिज लाइट फ्रेम सीम्ड हैवी एज ए मास ऑफ लेड, और हिज लाइट फ्रेम, उसकी जो लाइट फ्रेम थी, सीम्ड हैवी एज ए मास ऑफ लोड, वो बहुत भारी हो गई थी। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ने के बाद, इन ए रेस, गुस्से में, रनिंग फॉर ए वाइल, कुछ देर तक तो दौड़ता रहा, ही स्टूड डिफीटेड, और फिर वो क्या लगा, जैसे पराजित होकर के खड़ा हो जाता है, इस तरह से खड़ा, स्टार्टिंग में तो गुस्से में इधर उधर दौड़ा, रन टू एंड फ्रो, जहां तहां दौड़ा गुस्से में, और फिर जैसे कि एक पराजित व्यक्ति खड़ा हो जाता है, इस तरह से वो खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इन सोब्स, अब उसकी जो चीखने और चिल्लाने की, रोने की जो आवाज़ थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी थी, सोब्स, सोब्स मीन्स सिसकियों में बदल चुकी थी, अब वो सुबक रहा था, सिसकियों में उसकी आवाज़ कन्वर्ट हो चुकी थी, पहले वो चीख रहा था, पहले वो चिल्ला रहा था, पहले वो रो रहा था, अब वो केवल सुबक रहा था, चूँकि एक तरह से वो पराजित हो चुका था, थक चुका था। ए लिटिल एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन, एक थोड़ी सी दूरी पर क्या देखता है, ग्रीन ग्रास ही कुर्सी, और हरी घास पर बैठ जाता है, थ्रो हिज फिल्मी आइज, और उसकी जो फिल्मी आइज, मैन एंड वोमेन टॉकिंग, एक हरी घास पर जो कुछ आदमी मैन एंड वोमेन बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं,
उनको देखता है और इमेजिन करता है। ही ट्राई टू लुक आइडेंटली अमंग ही द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स। वो ब्राइट येलो क्लॉथ्स में जाकर के देखता है, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर, यानी जो वहाँ जो पुरुष और स्त्री बैठी हुई है उनको जाकर के देखता है, उनमें सर्च करने की कोशिश करता है कि उसके पेरेंट्स भी हैं, लेकिन उसके माता पिता का वहाँ नामो निशान नहीं था। अमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच में उसके माता पिता का कोई नामो निशान था। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो लोग वहाँ हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में जाकर के वो देखता है, सर्च करता है अपने पेरेंट्स को, लेकिन उसके माता पिता उनके बीच में नहीं हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, हिरेन हॉटली अगेन, वो फिर से दौड़ता है। ही दिस टाइम टू श्रिन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, अब की बार वो उधर से दौड़ता है, उधर उस साइड में दौड़ता है जिधर लोगों की भीड़ ज़्यादा है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, अब यहाँ का हर, यहाँ के जो स्थान का हर इंच है, हेयर वाज कंजेस्टेड विद द मैन, वो लोगों से कंजेस्ट हो रखा है, यानी इस स्थान पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग, और वो लोगों के टांगों के बीच से, लोगों के पैरों के बीच से गुजरता हुआ दौड़ता है। हिज लिटिल सोब लाइन, और उसकी जो लिटिल जो सोब है यानी सिसकियाँ जो हैं वो लिंगरिंग, अभी भी लिंगरिंग कर रही हैं, और वो मदर फादर इसी तरह से चिल्ला रहा है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, अब वो मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुंच जाता है। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मंदिर के पास जाकर पहुंच जाता है वो, और मंदिर के प्रवेश द्वार पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैन जोस्टल ईच अदर, एक दूसरे के साथ आदमी, मैन मीन्स मनुष्य, क्या कर रहे हैं, जोस्टल मीन्स धक्का मुक्की कर रहे हैं। हैवी मैन, और वहाँ आदमी जो हैं वो बहुत हैवी हैं, विथ लैशिंग मर्डरर साइज, और उनकी आंखें जो हैं बड़ी बड़ी हैं, चौड़े चौड़े उनके हेफ्टी शोल्डर्स, हेफ्टी मीन्स चौड़े चौड़े, शोल्डर्स मीन्स कंधे हैं। तो उन लोगों के बीच में पहुंच जाता है वो, और ट्राई करता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे, अब वो जो बेचारा बच्चा है स्ट्रगल, संघर्ष करता है टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन, वो एक रास्ता बनाने की कोशिश करता है बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच से, बट नोकड टू एंड फ्रो, लेकिन कभी इधर धकेल दिया जाता है, कभी उधर धकेल दिया जाता है, बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स, उनके ब्रूटल मोमेंट्स से। उनको नहीं पता कि बच्चा नीचे है, तो वो जैसे ही एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हैं तो बच्चा भी कभी इधर कभी उधर नोकड डाउन हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फूट, वो पैरों के नीचे ट्रैम्पल मीन्स कुचल दिया जाता, हैड ही नोट सेरिक्ड एट द हाइएस्ट पिच, यदि उसने अपने जितना भी वो जोर लगा करके चिल्ला सकता था, नहीं चीखता, अपनी जितना भी जोर से वो चीख सकता था, यदि वो नहीं चीखता उतना जोर लगा करके, फादर मदर कह करके नहीं चीखता, तो वो पैरों के बीच में शायद कुचल दिया जाता। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, उसी भीड़ के अंदर एक आदमी था, हियर्ड हिज क्राई, उसने उसकी चीखने की आवाज़ को सुना, एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ही मुश्किल से क्या हुआ, उसने लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसे अपनी गोद में उठा लिया, उस भीड़ में से बड़ी मुश्किल से उस आदमी ने जिसने उसकी चीखने की आवाज़ को सुना था उसे अपनी गोद में उठा लिया, और पूछता है हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, अरे बच्चे तुम यहाँ कहाँ से आ फंसे, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेबी हो। द मैन आस्क एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब वो भीड़ से निकल कर एक तरफ आता है तो वो उस बच्चे से पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम किसके बेबी हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और बिटरली मीन्स होता है फूट फूट करके, बच्चा और फूट फूट करके रोने लगा, देन एवर नाउ द ओनली क्राइड, जितना कि वो पहले चीख रहा था, यानी पहले से भी अधिक फूट फूट करके रोने लगा, और कहता है आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम, अब वो आदमी उसको कंसोल करने की कोशिश करता है, उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है, बाई टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट, वो उसको झूले के पास ले जाता है, उसको एक तरह से चुप करने की कोशिश करता है, उसको सांत्वना, उसको तसल्ली, उसको ढांढस बनाने की कोशिश करता है, और चाहता है कि वो चुप हो जाए, और पूछता है विल यू हैव ए लिफ्ट ऑन द हॉर्स, कि क्या तुम घोड़े पर बैठ करके झूला झूलोगे। ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द, जैसे वो उस रिंग के पास पहुँचता है तो उससे पूछता है कि क्या आप घोड़े पर बैठ कर झूलोगे। द चाइल्ड थ्रो टोर इन टू थाउजेंड सिल सॉब्स, बच्चे के अंदर थाउजेंड सिल्स आती हैं, वो जोर से चीखता है और सोब सुबकता है, एंड ही ओनली शाउटेड, क्या चिल्लाता है,
आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही बच्चा जो अपने पेरेंट्स से कह रहा था कि मुझे झूला झूलना है, अब जब पेरेंट्स नहीं हैं तो अब वही बच्चा, उसको वो झूला नहीं चाहिए, अब उसको अपने मम्मी पापा चाहिए। तो यही चाइल्ड साइकोलॉजी जो मैं स्टार्टिंग में चैप्टर के आपसे बता रहा था कि इस शॉर्ट स्टोरी में मुल्कराज आनंद ने चाइल्ड साइकोलॉजी बताई है कि बच्चे की मनोदशा किस तरह की होती है, बच्चे का मनोविज्ञान किस तरह का होता है। जब मम्मी पापा होती हैं तो उसके मम्मी पापा के सामने उसकी बहुत सारी डिज़ायर होती हैं, बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, और जब वो बच्चा अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता है तब उसकी वो सारी डिमांड से उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। इसलिए वो जोर लगा करके, जब वो उसको झूला झुलाने के लिए आदमी कहता है तो वो जोर से चीख करके चिल्ला करके कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। क्या होता है स्टूडेंट्स, द मैन हेडेड टुवार्ड्स द प्लेस वेयर द जगलर स्टिल प्लेड। अब वो आदमी उस तरफ चलता है, उस तरफ आता है जहाँ जगलर अभी भी प्लेट बजा रहा था, ऑन द फ्लूट टू डांसिंग कोबरा, कोबरा को डांस कराने के लिए जो अभी भी वो बीन बजा रहा था, उसके सामने आता है और कहता है लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। अब बच्चे को कहता है कि बच्चे देखिए बहुत प्यारा संगीत है, इस प्यारे संगीत को सुनिए। ही प्लेडेड, वो उसको रिक्वेस्ट करता है, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चा अपने कान बंद कर लेता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसी म्यूजिक को वो सुनना चाहता था पहले, लेकिन अब वो कान बंद कर लेता है विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और अब पहले से भी दुगनी ऊंची आवाज़ में वो चिल्ला करके कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे ये न्यू म्यूजिक नहीं सुनना है। क्या होता है स्टूडेंट्स, द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, उस गुब्बारे वाले के पास ले जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बाल्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, ये सोचते हुए कि बच्चे के मन को शायद ये जो गुब्बारे हैं वो आकर्षित करेंगे, और यह सोचते हुए वो बच्चे को गुब्बारे वाले के पास ले जाता है, और शायद जब उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी तो वो क्वाइटन यानी शांत भी हो जाएगा, चुप हो जाएगा, और पूछता है, वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें एक सात रंगों का गुब्बारा चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क, परसुएसिवली मीन्स एक तरह से मनाने के अंदाज में वो उससे पूछता है, द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब्ड। बच्चा क्या करता है, उन फ्लाइंग बैलून से अपनी नज़र हटा लेता है, अपनी आंखों को हटा लेता है और सॉब्ड यानी सिसकी भरता है, और क्या कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कि मुझे बैलून नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल इम्पॉर्चुनेट इन हिज काइंडली डिजायर टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। अब स्टूडेंट्स, वो बच्चे को मनाने के लिए, चुप करने के लिए उसके पेरेंट्स मिल जाएं, इस पर्पज़ से वो एंट्री गेट पर आता है, बोर हिम टू गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर वो फ्लावर बेचने वाला बैठा हुआ है वहाँ पर आता है और कहता है, लुक, देखो, कैन यू स्मेल दिस दोज नाइस फ्लावर्स, क्या आप उन जो नाइस फ्लावर हैं उनको स्मेल करोगे चाइल्ड, बच्चे देखो तुम सूंघ करके देखो उनको, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपनी गर्दन में पहनने के लिए फूलों की माला चाहिए, फूलों का हार चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज, बच्चा अपनी नाक दूसरी तरफ कर लेता है, अवे फ्रॉम द बास्केट उस टोकरी से, एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, और फिर से सूखी लेकर के कहता है, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। क्या होता है स्टूडेंट्स, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब सोचता है वो आदमी सोचता है कि बच्चा शायद स्वीट का गिफ्ट लेकर के शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर स्वीट शॉप, अब वो उसकी मिठाई की दुकान पर लेकर के जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, और पूछता है, बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, कौन सी मिठाई तुम खाना चाहोगे, कौन सी मिठाई तुम लेना चाहोगे। ही आस्क, वो पूछता है, द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, क्या होता है, बच्चा स्वीट शॉप से मिठाई की दुकान से अपने फेस को टर्न कर लेता है, दूसरी तरफ देखना शुरू कर देता है, नॉट ओनली सॉब्ड, और केवल क्या करता है, सोब्ड मीन्स सिसकी भर के कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे फादर चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने देखा, इस लेक्चर में देखा कि जब तक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ था तब तक उसकी बहुत सारी डिजायर थी, बहुत सारी इच्छाएं थी, वो
फ्लावर भी चाहता था, वो स्वीट्स भी चाहता था, उसके मुंह में पानी आ गया था बर्फ़ी को देख करके, वो बर्फ़ी की तरफ देखना ही नहीं चाहता उसको, उसकी मम्मी और पापा, सिर्फ मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। जहाँ वो बैलून की तरफ आकर्षित था, जहाँ वो गार्लैंड की तरफ आकर्षित था, जहाँ वो स्विंग यानी झूला झूलना चाहता था, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, अब उसको सिर्फ मम्मी चाहिए और पापा चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये चाइल्ड साइकोलॉजी होती है कि बच्चा जब अपने मम्मी पापा के साथ होता है तो वो बहुत खुश होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, गिफ्ट चाहिए होते हैं, खिलौने चाहिए होते हैं, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसको झूला भी झूलना होता है। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, वही सारी चीज़ें जो उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं, वही सारी चीज़ें जिनको वो लेने के लिए जिद कर रहा होता है, अब वो सब चीज़ें उसके लिए बेकार हैं, यूजलेस हैं। उसको सिर्फ़ और सिर्फ कौन चाहिए? अपने पेरेंट्स चाहिए, अपनी मम्मी चाहिए और अपने पापा चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। आई होप आप समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना अधिक से शेयर आप कर सकते हैं वीडियो को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होते रहें, मिलते रहें। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।